Dear students of class 6, this is English class and the lesson is second. The name of this lesson is Kabuliwala. This lesson or this story has been written by great writer of India, Rabindranath Tagore. And you can see this story in several Hindi books also. Poor people never or hardly ever ask for an explanation of all they have to put up with. गरीब लोगों से कभी भी नहीं कोई व्याख्या या कोई बात करी जाती है, पूछी जाती है, जो भी उनके ऊपर all they have to put up with, जो भी उनके साथ समस्या आती है, जो कुछ भी उनको डाला जाता है, कोई भी बात होती है तो उनसे कोई राय नहीं ली जाती है, ना उनसे पूछी जाती है. People treat them as per their perceptions about them. लोग उनसे कुछ पूछते नहीं हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि लोगों का जैसा perception होता है, यानी कि लोग जैसा समझते हैं उसी हिसाब से उससे उसके साथ व्यवहार करते हैं. Let us read about little Minnie and a Kabuliwala who faces the same situation. हम इस कहानी में पढ़ेंगे, छोटी सी मिनी है और एक काबली वाला है और दोनों वैसे ही परिस्थिति में आते हैं, सामना करते हैं उस परिस्थिति का और क्या क्या वो फेस करते हैं वैसी परिस्थिति में, इसको हम देखते हैं. माई 5 years old डॉटर मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग. मेरी 5 साल की छोटी बेटी मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग, बिना बकबक किए बिना बातचीत किए नहीं रह सकती है. आई रियली बिलीव that in all her life she has not wasted a minute in silence. मैं तो ये विश्वास करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया है. she has not wasted a minute, एक मिनट भी उसने बर्बाद नहीं किया है in silence, चुप रह करके चुप्पी में. her mother is often vexed at him, उसकी माँ तो अक्सर उस पर चिढ़ जाती है. and would stop her prattle, और उसके बकबक को उसकी बात को रोक देती है. but I would not, लेकिन मैं नहीं रोकता. To see Minnie quiet is unnatural and I cannot bear it long. मिनी को चुप देखना अप्राकृतिक अजीब सा लगता है और मैं इसको बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता. My own talk with her is always lively. मेरी उसके साथ जो बातचीत होती है वो बड़ी जीवंत होती है. One morning, एक सुबह, for instance, उदाहरण के लिए, when I was in the midst of the 17th chapter of my new novel, जब मैं अपने नए उपन्यास के बीच में था, 17वीं चैप्टर के पाठ के बीच में था, my little mini stole into the room, मेरी छोटी मिनी कमरे में आई एंड पुटिंग हर हैंड इन टू माइन, और अपना हाथ मेरे पर रखते हुए बोली, फादर रामदयाल, द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो अ क्रो. पिताजी रामदयाल जो डोर कीपर है, दरवान है, वो क्रो को क्रो कहता है. ही डज नॉट नो एनी थिंग डज ही, वह कुछ भी नहीं जानता है ना, वो कुछ भी नहीं जानता है. बट आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंसेज ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड. बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर, इसके पहले कि मैं उसको बताता, द डिफरेंसेज ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में भाषाएं कितनी अलग अलग तरह की होती हैं. सिवा जिम बाग ऑन द फुल टाइड ऑफ एनदर सब्जेक्ट, तब तक वो दूसरे विषय पर कूद गई. व्हाट डू थिंक फादर, आप क्या सोचते हैं पिताजी. भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड, भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है, ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, और वही अपने सूंड से पानी गिराता है, एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स, और इस तरह से वर्षा होती है. एंड देन, और तब, डार्टिंग ऑफ अ न्यू, अभी उसका भी जवाब नहीं मिला कि किसी और सवाल पर वो चली गई. व्हाइल आई सैट स्टिल मेकिंग रेडी सम रिप्लाई टू द लास्ट सेइंग, अभी मैं जवाब देने की तैयारी ही कर रहा था उसके अंतिम पिछले वाले सवाल का, वो बोली, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, पिताजी माँ के साथ आपका क्या संबंध है. विथ अ ग्रेव फेस आई कंट्राइव्ड टू से, गंभीर
चेहरा बना करके मैंने उसको कहा, कोशिश किया कहने का, गो एंड प्ले विथ भोला मिनी IMBG, जाओ और भोला के साथ खेलो मिनी, मैं अभी व्यस्त हूँ। द विंडो ऑफ माई रूम ओवर लुक्स द रोड, मेरे कमरे की खिड़की से बाहर की सड़क दिखाई देती है। द चाइल्ड हैज सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट, बच्ची, द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट, बच्ची मेरे पैर के नज़दीक बैठी थी, नियर माई टेबल, मेरे टेबल के नज़दीक, एंड वाज प्लेइंग सॉफ्टली, और धीरे धीरे खेल रही थी, ड्रमिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों को बजा रही थी। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर, मैं अपने 17वीं पाठ में व्यस्त था, बहुत व्यस्त था। वेयर प्रताप सिंह द हीरो, जहाँ पर कहानी का जो हीरो था प्रताप सिंह, हैड जस्ट कॉट कंचनलता, जिसने कंचनलता को पकड़ लिया था, द हीरोइन जो उसमें अभिनेत्री थी, कहानी में चरित्र था वो, उसको इन हिजाम्स अपनी बाहों में, एंड वाज अबाउट टू एस्केप विथ हर बाय द थर्ड स्टोरी विंडो ऑफ द कैस्टल, और वो भागने वाला था उसके साथ बाय द थर्ड स्टोरी विंडो, 3 तल्ले की खिड़की से ऑफ द कैस्टल, उस महल के, व्हेन ऑल ऑफ सडन, कि अचानक मिनी लेफ्ट हर प्ले एंड रैन टू द विंडो, मिनी ने अपना खेल बंद किया और खिड़की की तरफ भागी, क्राइंग, चिल्लाते हुए, अकाबली वाला, क्या चिल्ला रही थी, काबली वाला। श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वॉज अ काबली वाला, निश्चित ही नीचे गली में एक काबली वाला था, पासिंग स्लोली अलोंग, धीरे धीरे जा रहा था। ही वॉश द लूज सॉइल्ड क्लॉथिंग ऑफ हिज पीपल, वह कपड़ा जो पहना था वो क्या था, तो ढीला ढाला, गंदा सा, मिट्टी से सना हुआ कपड़ा था, जैसे वो लोग ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं, विथ अ टॉल टर्बन, और क्या था उसके साथ, तो बड़ा सा पगड़ी था। देयर वॉज अ बिग बैग ऑन हिज बैग, उसके पीठ पर एक बड़ा सा झोला था, बैग था, एंड ही कैरीड बॉक्सेज ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और अपने हाथ में अंगूर के बक्स को लिए हुए था। आई कैन नॉट टेल व्हाट वेयर माई डॉटर्स फीलिंग एट द साइट ऑफ दिस मैन, मैं नहीं बता सकता कि उसको, उस आदमी को देख कर कि मेरी बेटी को क्या फीलिंग हुई, क्या अनुभव हुआ। बट सी बिगैन टू कॉल हिम लाउडली, लेकिन वह उसको जोर जोर से पुकारने लगी। आह, आई थॉट, मैंने सोचा, ही विल कम इन एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, मैंने सोचा कि ओह, अब वो आ जाएगा और मेरा जो 17वां पार्ट है, 17वां चैप्टर है, वो कभी पूरा नहीं होगा। At that exact moment, the काबलीवाला turned and looked up at the child. उसी पल काबलीवाला घूमा और उस बच्चे को देखा, यानी कि मिनी को देखा। When she saw this, जब उसने इसको देखा, she overcome by terror, वह डर गई। She fled to her mother's protection and disappeared, वह अपने माँ के सुरक्षा में भागी और गायब हो गई। She had a blind belief, उसको ये विश्वास था, that inside the bag, कि उस बैग के अंदर, which the big man carried, जो वह बड़ा सा आदमी लेकर जा रहा था, there were perhaps 2 or 3 other children like herself, 2 या 3 उसके जैसे और बच्चे उस बैग में थे। The peddler meanwhile entered my doorway, उस समय पेडलर बोलते हैं घूम घूम कर बेचने वाला, फेरी वाला, वो मेरे दरवाजे से प्रवेश किया and greeted me with a smiling face, और मेरा अभिवादन किया मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। So precarious was the position of my hero and my heroine, जबकि उस समय मेरे कहानी के उपन्यास की हीरो और हीरोइन की, हीरोइन की जो दशा थी वो बड़ी गंभीर थी, that my first impulse was to stop and buy something, मेरी पहले प्रयास था कि मैं उसको रोकूं और कुछ खरीद लूं, since the man had been called, जो कि वो आदमी बोले। I made some small purchases and conversation began about Abdul Rahman. आई मेड सम स्मॉल परचेजेज, मैंने कुछ ख़रीदारी किया, एंड अ कन्वर्सेशन बिगैन अबाउट अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान के साथ बातचीत शुरू हो गई। द रशियंस, द इंग्लिश एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, रशियन, अंग्रेज़ों की और सीमांत विषयों पर। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वह जाने वाला था, ही आस्क्ड, वह पूछा, एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, वह छोटी बच्ची कहाँ है सर, एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फियर, और मैं सोच रहा था कि मिनी अपने इस डर से, गलत डर से
छुटकारा पाली होगी, ब्रॉट हर आउट, उसे ले आया। सी स्टूड बाई माई चेयर, वह मेरे कुर्सी के बगल में खड़ी थी, एंड लुक्ड एट द काबली वाला एंड हिज बैग, और वह काबली वाला और उसके बैग को देख रही थी। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स, उसने उसको नट्स वगैरह दिया। बट सी वुड नॉट बी टेम्प्टेड, लेकिन वह आकर्षित नहीं हुई। एंड ओनली क्लंग क्लोजर टू मी, बल्कि मेरे नज़दीक चिपकी रही। विथ ऑल हर डाउट्स इंक्रीज, और उसके शक बढ़ रहे थे। दिस वॉज द देयर फर्स्ट मीटिंग, यह उनका पहला मीटिंग था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, हाउएवर नॉट मेनी डेज लेटर, बहुत दिन नहीं हुए थे, एज आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं घर छोड़ के जा रहा था, मैंने घर से बाहर जा रहा था, आई वॉज स्टार्टल टू फाइंड मिनी, मैं चौंक गया मिनी को देख करके। सीटेड ऑन अ बीच नियर द डोर, बेंच नियर द डोर, वह दरवाजे के नज़दीक एक बेंच पर बैठी हुई थी। लाफिंग एंड टॉकिंग, हंस रही थी और बात कर रही थी। विद द ग्रेट काबली वाला एट हर फीट, उस बड़े से काबली वाला के पैरों के पास बैठ करके, वो काबली वाला उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में, इट अपीयर्ड, ऐसा लगा, माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंस अ लिसनर, मैंने नहीं देखा था कि मेरी छोटी बेटी इतनी धैर्य से कुछ सुन रही थी, लाइक हर फादर, अपने पिता के जैसा। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ अर लिटिल साड़ी वाज स्टफ्ड विथ एलमंड्स एंड रेजिन्स, और उसके छोटी सी साड़ी का जो कोना था वो बादाम और रेजिन से भरा हुआ था। द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर, जो उसका आने आगंतुक ने उसको उपहार दिया था। व्हाई डिड यू गिव हर दोज, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि तुम ये सब चीज़ उसको क्यों दिए। एंड टेकिंग आउट एंड एट अन्ना बीट, और मैं अठन्नी निकालने लगा। आई हैंडेड इट टू हिम, मैंने उसको दे दिया। द मैन एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डेमर, उस आदमी ने बिना किसी विरोध के उस पैसे को ले लिया। एंड स्लिप्ड इट इन टू हिज पॉकेट, और उसको अपने पॉकेट में डाल दिया। अलास, ऑन माई रिटर्न एट आवर लेटर, एक घंटे के बाद जब मैं लौटा, आई फाउंड द अनफॉर्चुनेट क्वाइन हैड मेड ट्वाइस इट्स ओन वर्थ ऑफ ट्रबल, मैंने पाया, आई फाउंड द अनफॉर्चुनेट क्वाइन, कि वह दुर्भाग्यशाली जो सिक्का था, हैड मेड ट्वाइस इट्स ओन वर्थ ऑफ ट्रबल, वह अपने समस्या को दुगुना कर दिया था। फॉर द काबली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, क्योंकि काबली वाला ने वो पैसा मिनी को दे दिया था। एंड हर मदर कैचिंग साइट ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, और उसकी माँ उस चमकीले चीज को देख रही थी। हैड पाउंस्ड ऑन द चाइल्ड विथ, वेयर डिड यू गेट दैट एट आना बिट, माँ देख रही थी और पूछ रही थी कि तुमने ये अठन्नी कहाँ से पाया। इसके बाद दो पार्ट में आपका ये चैप्टर पूरा होगा। आज आपका पहला और दूसरा पेज हुआ है इसका, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। फिर आप कल इसके दो चैप्टर और दो पेज और पढ़ेंगे, और उसके बाद एक दो पेज और जो बचेगा वो एक क्लास में और पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप एक ही दिन में पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इतना रीडिंग आप करेंगे, और जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसको आप नोट करेंगे। आप पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज आप डिक्शनरी से लिख भी सकते हैं।